वेलकम स्टूडेंट्स। तो जो हमारा चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसका आज हम पार्ट टू देखेंगे और पार्ट टू में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आपका 11th चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें से हमने आपके पहले पार्ट में, जो वीडियो का पहला पार्ट था स्टूडेंट्स, उसमें हमने सेल स्ट्रक्चर के बारे में जाना था स्टूडेंट्स, और कुछ चीज़ें हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के भी बारे में जानी थी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साइज वगैरह के बारे में भी हमने जाना था, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं वो भी हमने पिछले वीडियो में देखा था स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं स्टूडेंट्स और पढ़ेंगे नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देखेंगे कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास रहते हैं, कौन कौन से टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कैसे वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास होते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं स्टूडेंट्स, जिसमें कि अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पिक्चर्स दिए हैं और ये आपको देखना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे अलग है, तो ये सारे क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, ग्लास स्लाइड्स की हेल्प से और कवर स्लिप के हेल्प से उसका एक सैंपल बनाते हैं और माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि मैं आपको अगले वीडियो में ग्लास स्लाइड्स और कवर स्लिप्स दिखाने वाला हूँ स्टूडेंट्स, कैसे दिखते हैं। तो ग्लास स्लाइड मैंने यहाँ पे आपके लिए लाया है स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये ग्लास स्लाइड दिख रही होगी स्टूडेंट्स। ये जो है ये ग्लास स्लाइड होती है स्टूडेंट्स, और दूसरी भी है मेरे पास। तो ये ग्लास स्लाइड है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जो है ये है कवर स्लिप। सो स्टूडेंट्स, ये भी ग्लास से बनी हुई होती है स्टूडेंट्स। ये है कवर स्लिप, छोटी सी, बहुत ही पतली होती है स्टूडेंट्स। ये क्या होती है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हम सैंपल रखते हैं और इसके ऊपर ये जो है ऐसे इस तरह से कवर स्लिप को रखा जाता है स्टूडेंट्स। सो और इसे माइक्रोस्कोप के अंदर क्या किया जाता है, देखा जाता है स्टूडेंट्स। सो ये जो है ये ग्लास स्लाइड है और ये जो है ये कवर स्लिप है स्टूडेंट्स। इसका यूज़ जो है आप 11th स्टैंडर्ड में करेंगे, जब आप साइंस ब्रांच लेंगे स्टूडेंट्स, साइंस स्ट्रीम से जाएंगे स्टूडेंट्स। आप साइंस स्ट्रीम से जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी स्टूडेंट्स। सो बात कर लेते हैं नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो चलते हैं आगे स्टूडेंट्स। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड और स्ट्रैंड्स ऑफ अलगे इन पॉन्ड्स आर मल्टी सेलुलर। अगर हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, जैसे कि फंगस की अगर हम बात कर लेते हैं जो ब्रेड्स पे आते हैं, या तो अलगे जो आपने ग्रीन ग्रीन देखा होगा ना स्टूडेंट्स, वो तालाब वगैरह में या यहाँ पे पानी जमा होता है स्टूडेंट्स, तो वो सब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? एक से ज़्यादा सेल वाले होते हैं स्टूडेंट्स। हाउएवर मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूनिसेलुलर, और जो मोस्टली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल वाले होते हैं, बट कुछ जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर भी होते हैं स्टूडेंट्स। वो कुछ क्या है स्टूडेंट्स? फंगस और कुछ स्ट्रैंड्स ऑफ अलगे। दे हैव ए समवॉट डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर, दे डू नॉट हैव द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। सो स्टूडेंट्स, उनके पास क्या होता है, उनके पास डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके सेल्स के स्ट्रक्चर जो होते हैं अलग अलग शेप्स के होते हैं स्टूडेंट्स, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग शेप्स होते हैं स्टूडेंट्स, और उनके पास जो ऑर्गेन्स होते हैं, उनके सेल्स के जो ऑर्गेन्स होते हैं, उनके अराउंड में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है स्टूडेंट्स, कोई भी कवरिंग नहीं होती, जैसे कि हम यूकैरियोटिक सेल्स में देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स क्या है स्टूडेंट्स? एकदम डेवलप्ड सेल्स जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जिसका न्यूक्लियस हम देख सकते हैं। पर जैसे कि और सब यूकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गन्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं स्टूडेंट्स, उनके अराउंड में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होता है स्टूडेंट्स, बट इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल ऑर्गेनिल्स के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियॉइड आर देयर ओनली कंपोनेंट्स, सच सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। और जिन सेल्स में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, साइटोप्लाज्म हो और न्यूक्लियॉइड हो, उससे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब पहले वाला सेल, जिसमें कि न्यूक्लियस जो होता है स्टूडेंट्स वो अच्छी तरह से हमें नहीं दिखता है स्टूडेंट्स, वो बिखरा बिखरा सा न्यूक्लियस होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस क्या है आप नहीं बता सकते, यहाँ पे ये जो है ये बिखरा सा है स्टूडेंट्स, ये कोई भी बाउंडेड नहीं है यहाँ पे।
और जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो होते हैं वो बाउंडेड होते हैं स्टूडेंट। जैसे कि मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि न्यूक्लियस कौन सा है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये राउंड वाला जो है वो न्यूक्लियस, ये राउंड वाला जो है वो न्यूक्लियस है। बट ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बाउंडेड है, ये एक मेम्ब्रेन से क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। बट यहाँ पे जो है वो, यहाँ का न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर सेल से बाउंडेड नहीं है। इस न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, न्यूक्लियॉइड बोलते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं। ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ होता कैसा है स्टूडेंट्स, वो भी समझना इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कैसे करते हैं। ईच माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सो स्टूडेंट्स, हर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए एक अलग सा मौसम चाहिए, अलग सा क्लाइमेट चाहिए, अलग सा इन्वायरमेंट चाहिए उनके ग्रोथ के लिए, उनके रिप्रोडक्शन के लिए स्टूडेंट्स। मैनी माइक्रोब्स नीड ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ, वेरी सम माइक्रोब्स कैन ग्रो विदाउट ऑक्सीजन। तो कुछ माइक्रोब्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, तो कुछ को नहीं पड़ती ऑक्सीजन की ज़रूरत। सम माइक्रो ऑर्गन सर्वाइव इवन इन एक्सट्रीम एंड एडवर्स कंडीशन लाइक द ओशियन फ्लोर, आइस इन द पोलर रीजन्स, हॉट वाटर स्प्रिंग एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स, माइक्रोब्स ऐसी चीज़ है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसी चीज़ है जो कि हर जगह आपको मिलेगी, मोस्टली अर्थ पे सभी जगह पे आपको मिलेगी, यहाँ तक कि वो अंटार्कटिका के कोल्ड रीजन्स में भी वो माइक्रोब्स मिलने वाले हैं, वॉल्केनोज में भी हमें कुछ माइक्रोब्स मिलने ही वाले हैं, ओशियन के सबसे डीपेस्ट पॉइंट में भी हमको माइक्रोब्स मिलने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसी चीज़ है जो क्या करते हैं, हर जगह पे सर्वाइव कर देते हैं, एक्सट्रीम से एडवर्स कंडीशंस में भी वो क्या करते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं स्टूडेंट्स। ऐसे भी कुछ माइक्रोब्स होते हैं। During adverse condition, microorganisms form a thick covering around themselves and stop their life processes. So students, इन सब adverse condition में क्या होता है ना students, जो microbes होते हैं क्या करते हैं, अपने cell के आसपास एक thick सा covering बना लेते हैं, protective covering बना लेते हैं, और उनके जो life processes होते हैं students, वो अपने life processes को stop भी कर सकते हैं। हम अपने life processes को stop नहीं कर सकते, पर ये microbes जो होते हैं वो अपने life processes, उनके जो chemical reactions उनके body में होते हैं वो उन्हें भी रोक सकते हैं students। On return of favorable condition, they come out of the protective covering and continue their life process. और अगर उन्हें लगता है कि अब favorable condition आ गया है, वो जी सकते हैं बाहर के condition में, तो वो क्या करते हैं students, वो covering से बाहर आ जाते हैं और अपने life processes को continue करते रहते हैं, और इस तरह से वो grow होते हैं students, इस तरह से वो जिंदा रहते हैं students. Where do the microorganism grow? तो बात आती है कहाँ कहाँ पे ये हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं स्टूडेंट्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ ज़्यादा ग्रो होते हैं, सॉइल में हो सकते हैं, वाटर में, डिकेइंग मैटर जो चीज़ सड़ रही होगी वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स बहुत ही फटाफट ग्रो होते हैं स्टूडेंट्स। टेम्परेचर, सो स्टूडेंट्स अगर टेम्परेचर की बात की जाए, तो टेम्परेचर जो है उनके लिए सबसे फेवरेबल टेम्परेचर जो होता है जिसमें वो सबसे ज़्यादा ग्रो होते हैं, वो है 25 डिग्री टू 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारे बॉडी का भी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स, इन सारे टेम्परेचर्स पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं स्टूडेंट्स। न्यूट्रिशंस की बात करते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं स्टूडेंट्स, वो बात करते हैं स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, तो वो कुछ न्यूट्रिएंट्स लेते हैं स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है स्टूडेंट्स, अलगे, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन। तो अपना न्यूट्रिशंस कहाँ से बनाते हैं स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन के हेल्प से बनाते हैं और क्लोरोफिल के हेल्प से भी बनाते हैं स्टूडेंट्स वो अपना न्यूट्रिशंस को। एटमॉस्फेयर की अगर बात करते हैं, तो उन्हें मॉइस्ट एटमॉस्फेयर चाहिए, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर चाहिए और वार्म एटमॉस्फेयर चाहिए स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है इस ये वाले कंडीशंस में ज़्यादा ग्रो होते हैं स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू शेप एंड लाइफ प्रोसेसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड एज अल्गे, फंगाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी क्लासिफाइड किया गया है स्टूडेंट उनके शेप के हिसाब से, उनके लाइफ प्रोसेसेस के हिसाब से स्टूडेंट्स, उनमें कौन कौन सी अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके शेप कैसे हैं, उनके हिसाब से क्या किया है, इन्हें क्लासीफाई किया गया है। तो ऐसे पाँच टाइप में उन्हें क्लासीफाई किया है, पहला है अलगे, फंगाई, प्रोटोजोया, बैक्टीरिया एंड वायरसेस, इन पाँच टाइप में इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है स्टूडेंट्स। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सो स्टूडेंट्स
अब तक आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम सुनते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो हरदम हमें हार्म करने वाले हैं, बट ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही यूजफुल भी होते हैं स्टूडेंट्स। टेक टू अर्थन पॉट्स हाफ फिल्ड विथ सॉइल एंड मार्क देम ए एंड बी। मिक्स सम वेस्ट मटेरियल लाइक गार्डन वेस्ट, डंग, फ्रूट पील, वेजिटेबल स्टॉक्स, पेपर स्क्रैप एक्सेट्रा विद द सॉइल इन पॉट ए। सो स्टूडेंट्स, आपको पॉट ए और पॉट बी लेना है। एक पॉट में आपको मार्क कर देना है कि सॉइल कितनी है उसमें, और फिर आपको कुछ उसमें गार्डन वेस्ट डाल देना है, काऊ डंग डाल देना है, फ्रूट्स के पील छिलके जो होते हैं, या वेजिटेबल का जो कचरा होता है, पेपर स्क्रैप होता है, उसे सब डाल देना है आपको पॉट ए में। मिक्स थिंग्स लाइक पीसेस ऑफ ग्लास, स्क्रैप मेटल्स, प्लास्टिक बैग एक्सेट्रा विद द सॉइल इन द पॉट बी। कीप बोथ द पॉट एट सेम स्पॉट इन द गार्डन एंड ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 to 4 weeks। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, पॉट बी में क्या डालना है, ग्लास डाल देने हैं, कांच के टुकड़े, मेटल स्क्रैप्स डाल देने हैं, प्लास्टिक बैग्स डाल देने हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, पॉट बी में डाल देनी है। और इसको क्या करना है आपको स्टूडेंट्स, आपको ये 3 से 4 हफ्तों के बाद देखना है स्टूडेंट्स। Did the garbage in pot B remain unchanged? Where did the garbage in pot A disappear? Why? So students, यहाँ पे बात आती कि जो pot B का garbage था students, वो है कि नहीं, और pot A में garbage है कि नहीं, अगर नहीं है तो वो कहाँ गया students? So students, मैं यहाँ पे आपको answers बता देता हूँ कि pot B के जो garbage होंगे वो वहीं पे रहेंगे 3 से 4 हफ्तों के बाद भी जब आप देखेंगे, और पॉट ए का जो गार्बेज होगा डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट्स, वो उसे डिकम्पोज कर चुके होंगे स्टूडेंट्स। क्या कर चुके होंगे, डिकम्पोज कर चुके होंगे। माइक्रोब्स प्रेजेंट इन सॉइल, डंग एक्सेट्रा डिकम्पोज द गार्बेज टू ऑब्टेन फूड मटेरियल। तो स्टूडेंट्स ये क्यों कर रहे, ये इन्होंने क्यों किया, क्योंकि इन्हें फूड मटेरियल जमा करना था, तो माइक्रोब्स ने क्या किया, उन गार्बेज को डीकम्पोज कर दिया। एज अ रिजल्ट गार्बेज इज सून कन्वर्टेड इनटू मैन्योर ऑफ द बेस्ट क्वालिटी एंड अवर सराउंडिंग आर केप्ट क्लीन। सो स्टूडेंट, जो भी ये कचरा होगा स्टूडेंट्स, उससे क्या बनता है, खाद बनता है स्टूडेंट्स। क्या बनता है, मैन्योर, मतलब एक अच्छा खाद बनता है जो सॉइल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। और हाँ, और इससे क्या हुआ स्टूडेंट्स, गार्बेज भी खत्म हो गया और हमारा इन्वायरमेंट भी क्लीन हो गया, हमें मैन्योर भी मिल गया, खाद भी मिल गया स्टूडेंट्स। एज इन द केस ऑफ गार्बेज फॉर प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल टू, माइक्रोब्स आर रिलीज इन टू द सीवेज सो एज टू हेल्प इन द क्विक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन इट। सो स्टूडेंट्स, सीवेज जो हमारे गटर और नाले होते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पे भी इन माइक्रोब्स को छोड़ा जाता है, ताकि ये माइक्रोब्स जो है स्टूडेंट्स, उसमें हमारे सीवेज में जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल, उन्हें डिकम्पोज कर लें स्टूडेंट्स। We have seen some microorganisms present in the soil and those in the root nodules of leguminous plants convert atmospheric nitrogen into its compound. This nitrogenous compound helps to increase soil fertility and thereby the protein content of the pulses grown in that soil. So students, यहाँ पे कुछ microorganisms हमें और देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें कि क्या होता है students, जो हमें root nodules में देखने मिलते हैं students. अभी क्या होता है ना स्टूडेंट्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं रूट नोड्यूल्स में होते हैं, यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे होते हैं, ट्रीज या प्लांट के रूट नोड्यूल्स में होते हैं स्टूडेंट, जो क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम क्या होता है, ये नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रोजन को अपने पास अट्रैक्ट करते हैं, नाइट्रोजन को लेके आते हैं इन प्लांट्स के पास। और नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्लांट के ग्रोथ के लिए स्टूडेंट्स। नाइट्रोजन जो होता है वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी क्या करता है, बढ़ाता है स्टूडेंट्स। तो लेग्यूमिनस प्लांट मतलब जैसे पल्सेस के प्लांट हो गए, चने के प्लांट हो गए, मूंग मटकी के प्लांट हो गए, ये सब कैसे होते हैं, लेग्यूमिनस होते हैं, इनके रूट्स ऐसे होते हैं ना स्टूडेंट्स। तो इनके नोड्स पे भी हमें क्या होता है स्टूडेंट्स, देखने को मिलता है। और यही कारण है कि हमें प्रोटीन जो होती है स्टूडेंट्स, पल्सेस में प्रोटीन्स जो होते हैं वो ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके रूट्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, इनके रूट नोड्यूल्स में जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है, एटमॉस्फेयर से वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और ये इन प्लांट्स को देता है स्टूडेंट, जिसके वजह से ये प्लांट्स जो होते हैं इनकी ग्रोथ अच्छी होती है, और इनके इनके अंदर प्रोटीन कंटेंट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। ज़्यादातर की जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं पल्सेस के ही प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे दाल हो गया, चना हो गया, मूंग मटकी हो गया, इन ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे पल्सेस हैं।
इफ ए फ्यू ड्रॉप ऑफ योगर्ट और बटर मिल्क आर मिक्सड विथ ल्यूकवार्म मिल्क एंड इट इज केप्ट एट द टेम्परेचर फॉर 8 to 10 hours, microbes present in a drop of yogurt quickly multiply and milk get converted into yogurt. So students, आप सभी को पता है दही के कुछ drops ले लो या छाछ जो होता है, छाछ हो गया या आपका बटर मिल्क जो होता है students, उसके अगर कुछ drop ले लेते हैं ल्यूक वार्म मिल्क में, ल्यूक वार्म मतलब थोड़ा सा गर्म जो मिल्क होता है एकदम थोड़ा सा students, उस वैसे मिल्क में अगर हम इसे डाल देते हैं, इस योगर्ट को डाल देते हैं, दही के थोड़े से ड्रॉप को अगर हम डाल देते हैं, बटर मिल्क के थोड़े से ड्रॉप को अगर डाल देते हैं और उसे अगर हम लोग उसी रूम टेम्परेचर पे 8 to 10 hours में रखते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें जो होता है ना स्टूडेंट्स, उसमें माइक्रोब्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं उस टेम्परेचर पर, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वो मल्टीप्लाई होते हैं और पूरे मिल्क को किस में चेंज कर देते हैं, दही में चेंज कर देते हैं स्टूडेंट्स, किस में चेंज कर देते हैं, दही में चेंज कर देते हैं. माइक्रोब्स आर थस यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, बटर मिल्क, चीज़, पनीर एक्सेट्रा. तो माइक्रोब्स बहुत ही यूजफुल होते हैं स्टूडेंट्स डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, ये बटर बनाने में काम आते हैं, बटर मिल्क बनाने में काम आते हैं, चीज़ बनाने में काम आते हैं, पनीर बनाने में काम आते हैं, तो ये सारी चीज़ें माइक्रोब्स के ही हेल्प से बनती है. ये सारी चीज़ें में क्या होती है, माइक्रोब्स होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, माइक्रोब्स होता है. फर्मेंटेशन, अब एक प्रोसेस हम पढ़ने जा रहे हैं फर्मेंटेशन, देखते हैं कि फर्मेंटेशन का मतलब होता क्या है स्टूडेंट्स. द केमिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड इंटू अनदर टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड बाय एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. तो फर्मेंटेशन क्या है स्टूडेंट्स, फर्मेंटेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करेंगे एक कार्बन कंपाउंड को चेंज करने के लिए दूसरे कार्बन कंपाउंड, एक कार्बन कंपाउंड को हम दूसरे कार्बन कंपाउंड में चेंज करेंगे स्टूडेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से. एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें हम क्या करेंगे, एक कार्बन कंपाउंड को दूसरे कार्बन कंपाउंड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से कन्वर्ट करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन बोलेंगे. हीट इज जनरेटेड इन दिस प्रोसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर गैसेस आर रिलीज्ड. सो हीट प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे रिएक्शंस में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अलग गैसेस भी क्या होती हैं, रिलीज होती हैं. दिस गैसेस कॉज एन इंक्रीज इन वॉल्यूम, एग्जांपल ब्रेड डव एंड इटली बेटर्स आर सीन टू राइज. सो स्टूडेंट्स, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल हम ब्रेड वगैरह में भी करते हैं, केक्स वगैरह में करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो क्या होते हैं, फूक जाते हैं, ब्रेड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फूक जाते हैं. तो ये किस लिए होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो रिलीज होती है स्टूडेंट्स फर्मेंटेशन के टाइम. ब्रेड्स हो गए स्टूडेंट्स, इडली हो गए, हम क्या करते हैं इसे एक दो दिन फर्मेंट करके बनाते हैं, हम क्या करते हैं एक दो दिन फर्मेंटेशन का प्रोसेस करके बनाते हैं जिसमें कि इसमें गैसेस रिलीज होती हैं और ये क्या होते हैं, थोड़े से पफी हो जाते हैं, फूक जाते हैं स्टूडेंट्स. और हमारे जो चीज़ें होती है, इडली हो गया, भटूरे होते हैं स्टूडेंट्स, नान होता है स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, फूक जाती हैं स्टूडेंट्स. द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इज यूज फॉर मेकिंग योगर्ट फ्रॉम मिल्क, प्रोड्यूसिंग एल्कोहल फ्रॉम ग्रेन्स एंड फ्रूट्स, ब्रेड फ्रॉम फ्लोर, एज वेल एज इन द प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, विटामिन, एंटीबायोटिक्स एक्सेट्रा. सो स्टूडेंट्स, फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है वो दही बनाने में काम आता है, एल्कोहल बनाने में काम आता है स्टूडेंट्स. एल्कोहल जो होता है वो ग्रेन्स और फ्रूट से बनाए जाते हैं, ग्रेन्स और फ्रूट को क्या किया जाता है, फर्मेंट किया जाता है स्टूडेंट्स, क्या किया जाता है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस किया जाता है जिससे क्या होता है, एल्कोहल बनता है स्टूडेंट्स. और भी चीज़ें हम बना सकते हैं जैसे कि ब्रेड बना सकते हैं स्टूडेंट्स, एसिटिक एसिड बना सकते हैं, साइट्रिक एसिड बना सकते हैं, लैक्टिक एसिड बना सकते हैं, विटामिन्स बना सकते हैं, एंटीबायोटिक्स भी बना सकते हैं स्टूडेंट्स फर्मेंटेशन की हेल्प से. सो स्टूडेंट्स, माइक्रोब्स का इस्तेमाल हम बहुत सारी जगह पे करते हैं स्टूडेंट्स और बहुत ही यूजफुल ये माइक्रोब्स होते हैं स्टूडेंट्स. इफ माइक्रोब्स आर अलाउड टू ग्रो इन बेटर, डव, फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा, दे ब्रेक डाउन दिस सब्सटेंस प्रोड्यूसिंग न्यू कंपाउंड एज दे ग्रो मल्टीप्लाई इन देम. दिस माइक्रोबियल प्रोसेस इज यूज इन अ प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कॉमन फूडस्टफ्स. स्टूडेंट्स, अगर माइक्रोब्स को हम लोग किसी बेटर में या किसी आटे में, बेटर मतलब जैसे इडली का जो घोल होता है स्टूडेंट्स, उरुद के दाल और चावल का जो इडली का घोल, उसे हम क्या बोलते हैं, इडली बेटर बोलते हैं स्टूडेंट्स. ऐसे ही किसी बेटर में या किसी आटे में या किसी फ्रूट जूसेस में हम उसे
ग्रो करते हैं स्टंट्स किसी माइक्रो, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं उन उसमें जो चीज़ें उन्हें ब्रेक कर देते हैं और नए नए कंपाउंड्स क्या करते हैं बनाने लगते हैं। उस नए नए कंपाउंड्स का टेस्ट अलग होता है, कलर भी कभी कभी अलग हो जाता है स्टंट्स। सो और वो नया कंपाउंड क्या हो जाता है, एक नई चीज़ बन जाती है, उस उन चीज़ों से क्या नई चीज़ बन जाती है स्टंट्स। सो स्टंट्स ये इन माइक्रोबियल प्रोसेस का यूज़ करके हम बहुत सारे चीज़ों का प्रोडक्शंस करते हैं, बहुत सारे खाने वाली चीज़ों का प्रोडक्शंस करते हैं। इडली भी इसमें से एक टाइप है और जलेबी भी जो होती है उसके भी घोल को, उसके भी बेटर को हम क्या करते हैं फर्मेंट करते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए वो काफ़ी टेस्टी हमें लगता है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं आगे क्या। Sometimes when you are ill, the doctor prescribes the capsule or injections of medicine like penicillin. This type of medicines destroy the pathogen and retard their growth. They are called antibiotics. So students, कभी कभी जब आप बीमार हो जाते हैं तो कभी आपको डॉक्टर क्या करते हैं पेनिसिलिन की गोली या पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगा। पेनिसिलिन काफ़ी कॉमन दवा होती है स्टूडेंट्स, जो कि आपको कोई भी डॉक्टर जो होता है प्रिस्क्राइब करता है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स पेनिसिलिन क्या करता है, हमारे अंदर जो भी हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं उन्हें उनका ग्रोथ जो होता है वो रोक देता है स्टूडेंट्स और उन्हें किल कर देता है। तो यस ऐसे क्या बोलेंगे, इन्हें हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, जो हमारे अंदर के हार्मफुल चीज़ों को क्या करता है डिस्ट्रॉय करता है। ऐसे ऐसे चीज़ों को हम क्या बोलते हैं एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक है स्टूडेंट्स। एंटीबायोटिक आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक माइक्रोब्स। सो यही एंटीबायोटिक्स हम किससे बनाते हैं, कुछ स्पेसिफिक माइक्रोब्स के हेल्प से इन एंटीबायोटिक्स को क्या किया जाता है बनाया जाता है स्टूडेंट्स। डिजीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस टाइफाइड कॉलरा एक्सेट्रा विच वेयर प्रीवियसली कंसिडर्ड इनक्योरेबल हैव नाउ कम अंडर कंट्रोल बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक्स। और इन्हीं एंटीबायोटिक्स के हेल्प से कुछ बड़ी बड़ी बीमारी जैसे कि टीवी की बीमारी, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी, टाइफाइड की बीमारी, कॉलेरा की बीमारी, जो कि एक टाइम पे ऐसा लगता था कि इनकी दवा हम कभी नहीं बना सकते हैं, ये भी बन चुकी है, इनकी दवाएं भी बन चुकी है स्टूडेंट्स एंटीबायोटिक की हेल्प से। और एंटीबायोटिक्स हम किससे बना रहे हैं, माइक्रोब्स के हेल्प से हम बना रहे हैं। डोमेस्टिक एनिमल टू कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेरियस डिजीज बाई मिक्सिंग एंटीबायोटिक्स विद देयर फूड। प्लांट डिजीजेस कैन ऑल्सो भी कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। सो स्टूडेंट्स एंटीबायोटिक्स का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है, एंटीबायोटिक की वजह से हम क्या कर सकते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी डिजीजेस से, और प्लांट्स को भी हम क्या कर सकते हैं प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंटीबायोटिक की हेल्प से स्टूडेंट्स। दो एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल फॉर क्योरिंग सर्टन डिजीजेस, दे कैन बी हार्मफुल इफ यूज विदाउट कंसल्टिंग अ फिजिशियन। सो स्टूडेंट्स कोई भी एंटीबायोटिक हम कभी भी नहीं यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यू एंटीबायोटिक्स डिजीजेस के लिए अच्छा है बट ये एक टाइप से हार्मफुल है, अगर हम किसी पर्सन से, किसी कंसल्टेंट से, किसी फिजिशियन से अगर हम नहीं पूछ के लेते हैं स्टूडेंट्स, बिना मतलब का अगर हम लेते हैं तो ये रिएक्शंस भी करता है स्टूडेंट्स। हैंस अ कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स शुड बी कम्प्लीटेड स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। तो डॉक्टर जैसा बोलता है स्टूडेंट उस तरह से हमें ये एंटीबायोटिक्स को लेना पड़ता है। इनफैक्ट वी शुड नॉट टेक एनी मेडिसिन ऑन अवर ओन टू ट्रीट एलिमेंट्स लाइक बॉडी एक, हेडेक, कॉमन कोल्ड एक्सेट्रा। और हमें हमसे खुद से कोई हमें मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए स्टूडेंट्स किसी भी ट्रीटमेंट के लिए स्टूडेंट, जैसे कि हमारा बॉडी पेन होता है, हेडेक होता है या कॉमन कोल्ड होता है तो हम जाते हैं मेडिकल पे और खुद से कोई भी गोली लेके आते हैं और उसे खाते हैं स्टूडेंट। तो ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए, हमें हमारे डॉक्टर या किसी भी फिजिशियन से पूछ लेना चाहिए कि हमें यह खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। अ वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड इन अ लेबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स दैट गिव्स इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज। इफ वी हैव been vaccinated against any disease or any disease, our immunity that is resistance to that disease increases, so that the possibility of contracting that disease is greatly reduced. So students, कोई भी vaccines जो होती है वो laboratory में बनाई जाती है microbes के help से ही बनाई जाती है, और यही vaccine क्या करती है हमारे immunity power को बढ़ाती है students किसी भी particular disease के खिलाफ। अभी cases चल रहे हैं corona वाले students, तो उसमें भी क्या हो रहा है जो vaccines दी जा रही है वो क्या करती है students हमारी immunity power को बढ़ाती है corona virus के खिलाफ। किसके खिलाफ, कोरोना वायरस के खिलाफ। देखो स्टूडेंट्स हर एक चीज़ का, हर एक स्पेसिफिक डिजीज़ का अलग अलग टाइप का वैक्सीन्स होता है और वो वैक्सीन उसी डिजीज़ के
खिलाफ काम करता है, तो कोरोना का जो वैक्सीन होगा वो कोरोना वायरस के ही खिलाफ सिर्फ काम करेगा स्टूडेंट्स। वो क्या करेगा, कोरोना वायरस के खिलाफ हमारे अंदर इम्यूनिटी को बढ़ा देगा स्टूडेंट्स। इफ वी हैव बीन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट एनी डिजीज अवर इम्यूनिटी दैट इज रेजिस्टेंस टू द डिजीज इंक्रीजेस सो दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द डिजीज ग्रेटली रिड्यूस। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, जब हमारे हमारे पास वो जैसे कि कोरोना का वैक्सीन हम लगा लेते हैं, तो अब क्या होगा ना स्टूडेंट्स, हमारे अंदर कोरोना वायरस के खिलाफ जो होगी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, हमारा रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाएगा स्टूडेंट। अब जब कोरोना वायरस हमसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हमसे कॉन्टैक्ट करेगा, सो स्टूडेंट्स हमारी बॉडी क्या करेगी, कोरोना वायरस को पहले ही मार देगी स्टूडेंट्स। क्या करेगी, पहले ही मार देगी, क्योंकि कोरोना वायरस के खिलाफ उसके पास पावर है स्टूडेंट्स, और वो क्या करेगी, कोरोना वायरस को पहले ही मार देगी। तो इस तरह से वैक्सीन जो होते हैं वो काम करते हैं स्टूडेंट्स, और यही वैक्सीन जो होते हैं माइक्रोब्स के हेल्प से बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको माइक्रोब्स का इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, ये छोटे जरूर है पर करते बड़े काम है। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज इन प्रोसेस लाइक टेनिंग ऑफ स्किन, प्रोडक्शन ऑफ रोप्स एंड स्ट्रिंग्स फ्रॉम अगेव। सम माइक्रोब्स यूज ऑयल फॉर देयर ग्रोथ। सो स्टूडेंट्स और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और भी कुछ प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे कि टेनिंग ऑफ स्किन हम कर सकते हैं, स्किन्स के प्रोडक्ट्स भी हम बना सकते हैं स्टूडेंट्स, और प्रोडक्शन ऑफ रोब्स एंड स्ट्रिंग्स, कुछ रस्सियाँ भी हम माइक्रोब्स के हेल्प से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं स्टूडेंट्स। और कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो ऑयल का इस्तेमाल करते हैं खुद के ग्रोथ के लिए स्टूडेंट्स। सच माइक्रोब्स आर यूज टू क्लियर अ लेयर ऑफ ऑयल फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन और लेक फॉर्म ड्यू टू लीक और ए स्पिल दैट इज क्लियर एंड ऑयल स्लिक। सो स्टूडेंट्स आपने अभी तक बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी कि ओशियंस में जो है एक शिप जो है वो पलट गया और बहुत सारा ऑयल जो है ओशियंस में चला गया, नदियों में चला गया, और अब वो ऑयल कैसे हटाया जाएगा, तो इसके लिए माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है जो क्या करते हैं, हम उनके ग्रोथ के लिए ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए इन माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, उस ऑयल को डिकम्पोज कर जाते हैं स्टूडेंट, जब हम उसे उन्हें उस ओशियंस वगैरह में छोड़ देते हैं जहाँ पे वो ऑयल स्पिल हुआ है स्टूडेंट्स। सो वहाँ पे ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, उस ऑयल को पूरी तरह से डिकम्पोज कर देते हैं। फार्म वेस्ट, ह्यूमन यूराइन एंड फेसिस, वेट गार्बेज एक्सेट्रा इज कलेक्टेड एंड यूज्ड इन अ बायोगैस प्लांट टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड फर्टिलाइजर। सो स्टूडेंट्स माइक्रोब्स को बायोगैस प्लांट्स में भी यूज किया जाता है फार्म वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए, ह्यूमन यूराइन ह्यूमन वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए, वेट गार्बेज को डिकम्पोज करने के लिए, और बायोगैस बनाई जाती है स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजर्स भी बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स। सो माइक्रोब्स का बहुत ही बड़ा यूज है स्टूडेंट्स यहाँ पे। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब तक हमने यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे थे, अब हम देखते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। If a jar of pickle, jam, etc. are opened after a long time, a round layer of white scum or black particles may appear to have formed on the surface. So students, आपने देखा होगा कोई भी अचार या कोई भी जैम जो होता है students, आप उन्हें थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ देते तो उसमें white white बोलते हैं students, white white उसमें एक कापूस टाइप उसमें जम जाता है students, और या तो black black हो जाता है students वो पूरा, तो क्या है स्टूडेंट्स, वो एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसे खराब करते हैं स्टूडेंट्स। इन समर मिल्क एंड मीट गेट स्पॉइल्ड क्विकली, फंगस ग्रो क्विकली ऑन मॉइस्ट एंड स्टेल फूड। सो स्टूडेंट्स समर के सीजन में आपने देखा होगा कि आपका जो खाना होता है वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि फंगस जो होते हैं स्टूडेंट्स वो काफ़ी ज़्यादा क्विकली ग्रो होते हैं मॉइस्ट रीजन में स्टूडेंट्स, कौन से रीजन में, मॉइस्ट रीजन में या मॉइस्ट फूड पे वो ज्यादा जल्दी ग्रो होते हैं और उसे खराब कर देते हैं स्टूडेंट्स। फूड पॉइजनिंग देख लेते हैं कैसे, एज दे यूज फूड स्टफ फॉर देयर ओन न्यूट्रिशन, सम माइक्रोब रिलीज टॉक्सिक मटेरियल एंटर प्रोटॉक्सिन इनटू द फूड, सच टॉक्सिन स्पॉइल द फूड, ईटिंग सच स्पॉइल्ड फूड कैन कॉज लूज मोशन एंड वॉमिटिंग। सो स्टूडेंट्स फूड पॉइजनिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, बहुत ही कॉमन चीज़ है स्टूडेंट फूड पॉइजनिंग, और कभी कभी डेथ भी हो जाती है स्टूडेंट्स इस फूड पॉइजनिंग की वजह से। तो क्या होता है ना स्टूडेंट्स कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड स्टफ्स को यूज़ करते हैं, हमारे खाने वाली चीज़ों को यूज़ करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, तो वो क्या करते हैं उस खाने पे कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स भी रिलीज कर देते, जिसका नाम है एंटरोटॉक्सिन्स जो होते हैं
वो रिलीज कर देते हैं, जिससे कि फूड जो होता है वो पॉइजनस हो जाता है स्टूडेंट्स। जब हम इस फूड को खाते हैं तो क्या हो जाता है, हमें लूज मोशन हो जाता है, वॉमिटिंग होने लगती है स्टूडेंट्स, तो ये फूड पॉइजनिंग होती है। पैथोजन डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स भी आते हैं, काफ़ी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजन क्या होता है ना स्टूडेंट्स, पैथोजन मतलब होता है जो ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बाहर का हो, हमारे बॉडी के बाहर का हो और हमें हार्म करता हो स्टूडेंट्स, जिसे हम बोलते हैं पैथोजन्स को ही हम बोलते हैं डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पैथोजन में भी प्रेजेंट इन वाटर बॉडी कंटेमिनेटेड विद सीवेज एंड डर्ट फ्रॉम द सराउंडिंग, इन फूड लेफ्ट अनकवर्ड इन हाइजेनिक कंडीशन विद हाउस फ्लाई सिटिंग ऑन इट एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट्स पैथोजन्स जो होते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया हार्मफुल वायरसेस जो होते हैं, वो कहीं भी मिल जाएंगे, जैसे कि पानी में मिल जाएंगे, गंदे पानी में, गंदे सीवेज में, जहाँ पे आजू बाजू गंदा सीवेज होगा स्टूडेंट्स, या तो ऐसा खाना जो कि अनकवर्ड हो, जिसे ढका ना गया हो स्टूडेंट्स और अनहाइजेनिक हो, तो ऐसे जगह पे पैथोजेंस मिल जाते हैं स्टूडेंट। इफ सच कंटेमिनेटेड फूड और वाटर इज कंज्यूम वी मे फॉल इल विद डिजीज और द एलिमेंट्री कैनल लाइक एमीबायसिस टाइफाइड कॉलेरा हेपेटाइटिस गैस्ट्रो एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट्स कुछ बीमारियां, कुछ खतरनाक बीमारियां भी हो जाती है अगर हम इन फूड को, इन वाटर को कंज्यूम करते हैं स्टूडेंट, जैसे कि हमारे एलिमेंट्री कैनल रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है, हमें अमीबायसिस हो सकता है स्टूडेंट्स, अमीबायसिस अमीबा के वजह से होता है, काफ़ी खतरनाक बीमारी होता है ये भी, टाइफाइड हो सकता है स्टूडेंट्स, कॉलेरा हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकती है स्टूडेंट्स, गैस्ट्रो गैस रिलेटेड एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं स्टूडेंट्स। पैथोजेंस आर रिलीज इन द एयर वैन अ पर्सन हैविंग एन इन्फेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्नीजेज और कफ। सो स्टूडेंट्स कुछ पैथोजेंस जो होते हैं पर्सन टू पर्सन भी ट्रांसफर होते हैं, कैसे स्टूडेंट्स, कि जब पर्सन स्नीज करता है कफ करता है तो क्या होता है, वो इन्फेक्शन वाले जो पैथोजेंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो बाहर आ जाते हैं और वो दूसरे के बॉडी में चले जाते हैं और उसे भी वो क्या करते हैं, हार्म करते हैं। सेम कोरोना वायरस वाला जो केस है स्टूडेंट्स, कि कोरोना वायरस छींकते और खांसते टाइम जब हम कुछ हाथ पहने रखेंगे तो क्या होगा, कोरोना वायरस जो होंगे वो रिलीज होंगे और वो दूसरे को भी क्या करेंगे, हार्म करेंगे स्टूडेंट्स। अ हेल्दी पर्सन में गेट इन्फेक्टेड विथ सच पैथोजन ऑन ब्रीथिंग इन द सेम एयर एंड कॉन्ट्रैक्ट डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड कफ डिप्थेरिया निमोनिया ट्यूबर कॉलिसिस एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट्स एक हेल्दी पर्सन भी क्या हो सकता है, बीमार हो सकता है इन पैथोजेंस के वजह से, जब ये इन्हें इनहेल कर लेगा, जब ये इन्हें अंदर ले लेगा स्टूडेंट्स। सो उससे उससे क्या हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, सर्दी हो सकती, खांसी हो सकती, डिप्थेरिया निमोनिया ट्यूबर कॉलिसिस, ये सारी बीमारियाँ हो सकती है स्टूडेंट्स। मॉस्किटोज रिप्रोड्यूस इन प्लेस लाइक हीप्स ऑफ गार्बेज ड्रेन्स स्टेगनेंट वाटर एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट्स मच्छर जो होते हैं, मॉस्किटोज जो होते हैं, वहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं जहाँ पे गार्बेज होता है स्टूडेंट्स, जहाँ पे ड्रेन्स गटर वगैरह होते हैं, नाले वगैरह होते हैं, रुका हुआ पानी, स्टेगनेंट वाटर मतलब जहाँ पे रुका हुआ पानी होता है, तो वहाँ पे मॉस्किटोज जो होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स। माइक्रोब्स दैट कॉज डिजीज लाइक मलेरिया डेंगू एलिफेंटेसिस येलो फीवर चिकनगुनिया जीका फीवर एक्सेट्रा गेन एंट्री इनटू द ह्यूमन बॉडी थ्रू द बाइट ऑफ अ फीमेल मॉस्किटो। सो स्टूडेंट्स मॉस्किटोज जो होते हैं काफ़ी डेंजरस होते हैं स्टूडेंट्स, और मॉस्किटोज के ही वजह से, मॉस्किटो के अंदर ये माइक्रोब्स आ जाते हैं स्टूडेंट, जो क्या करते हैं, डेंगू मलेरिया एलिफेंटिसिस येलो फीवर चिकनगुनिया जीका फीवर, ये सारी चीज़ों को, सारी इन डेंजरस बीमारियों को वो माइक्रोब्स जो होते हैं, जब हमें फीमेल मॉस्किटोज काटते हैं स्टूडेंट, जब हमें फीमेल मॉस्किटोज बाइट करते हैं, तो उनके मुंह में से वो माइक्रोब्स हमारे अंदर आ जाते हैं स्टूडेंट्स। पहले तो ये क्या करते हैं, ये माइक्रोब्स इन फीमेल मॉस्किटोज के अंदर रहते हैं, और जब ये फीमेल मॉस्किटोज हमें काटते हैं स्टूडेंट्स, तो ये फीमेल मॉस्किटो के मुंह से हमारे अंदर आ जाते हैं और हमें हार्म करते हैं, हमें मलेरिया डेंगू एलिफेंटिसिस येलो फीवर चिकनगुनिया जीका फीवर जैसे बीमारियां हमारे पास छोड़ जाते हैं स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान है स्टूडेंट, क्योंकि जो ज़्यादातर की जो बीमारियां होती है स्टूडेंट्स वो क्या होती हैं, गंदगी के वजह से होती है, तो यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान जो है स्टार्ट किया गया था स्टूडेंट्स। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द ऑल डिजीज ऑकर ड्यू टू द अनक्लीनिनेस, कीपिंग अवर सराउंडिंग क्लीन, अवॉइडिंग लिटर एंड डिस्पोजिंग गार्बेज प्रॉपरली, अवॉइडिंग डेफिकेशन इन द ओपन और सम
इजी वे टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ द डिजीज. सो स्टेंट्स 80% ऑफ द डिजीज क्या होती है स्टेंट, गंदगी के वजह से होती. तो इसी को रोकने के लिए स्वच्छ भारत अभियान का मिशन स्टार्ट किया गया था स्टेंट्स, ताकि हम डिजीज को स्प्रेड होने से रोक सके. द स्वच्छ भारत अभियान इज द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड सेवरल ईयर्स एगो टू इंक्रीज द अवेयरनेस अबाउट पब्लिक हाइजीन अलॉन्ग विद द हैबिट्स ऑफ द पर्सनल हाइजीन. लेट अस पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट बाय स्टार्टिंग अ क्लीनिनेस ड्राइव इन अवर स्कूल एंड नेबरहुड. सो स्टूडेंट्स, स्वच्छ भारत अभियान जो है वो कुछ साल पहले ही स्टार्ट किया गया है स्टूडेंट्स, और ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट स्टार्ट किया गया है स्टूडेंट्स, पर्सनल हाइजीन के लिए, पब्लिक हाइजीन के लिए, पब्लिक हैबिट्स के लिए. और ये एक टाइप से कैसा है, क्लीनिनेस के साथ हमें अवेयर कर रहा है कि हमें क्लीनिनेस रखनी चाहिए अपने सराउंडिंग में, अपने पर्सनल हाइजीन रखनी चाहिए, पब्लिक हाइजीन रखनी चाहिए, और हमें इसमें पार्टिसिपेट भी करना चाहिए. स्वच्छ भारत अभियान में हमें पार्टिसिपेट भी करना चाहिए क्लीनिनेस करने के लिए स्टूडेंट्स, हमारे स्कूल के साथ, हमारे नेबरहुड के साथ स्टूडेंट्स. सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं स्टूडेंट्स, ये क्लीनिनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स. यहाँ पे कुछ दिया है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दी है. द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बींग इज अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस. इफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर इन अवर बॉडी अवर इम्यून सिस्टम स्टार्ट एक्टिंग एंड अ बॉडी टेम्परेचर राइजेस. दिस डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द साइट ऑफ एन इंजरी ऑल्सो फील वार्म व्हेन द सम रीजन. सो स्टूडेंट्स, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मली जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, आप सभी को ये चीज़ें पता होगी स्टूडेंट्स. और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम क्या करता है, अपने बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर लेता है और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारता है स्टूडेंट्स. इसलिए जब आप बीमार होते हैं तो आपकी बॉडी क्या होती है स्टूडेंट्स, गर्म होती है स्टूडेंट्स. तो गर्म इसलिए होती है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी को गर्म करता है स्टूडेंट्स और उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारता है स्टूडेंट्स. सेम चीज़ जब होती है, जब हमें कहीं पे चोट लग जाती है तो स्टूडेंट्स आप वहाँ पे वो एरिया को जब आप छूते तो वो गर्म होता है स्टूडेंट्स. वो क्यों गर्म होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना आ जाए और हमें इन्फेक्शन ना हो स्टूडेंट्स. इसलिए वो वहाँ पे वो एरिया क्या होती है स्टूडेंट्स, गर्म होती है स्टूडेंट्स. सो आपका जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, सेल स्ट्रक्चर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो ख़त्म हो चुका है स्टूडेंट्स. और आई होप आपको ये दोनों पार्ट्स, वीडियो के दोनों पार्ट्स जो हैं, आपका 11 चैप्टर के वीडियो के दोनों पार्ट्स होंगे, सेल स्ट्रक्चर और माइक्रोजम्स, आपको बहुत ही अच्छे से समझा होगा स्टूडेंट्स. ये इंटरेस्टिंग चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ स्टूडेंट्स. थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ.